मेरा नाम प्रसाद है, मैं विशाखापट्टनम का हूं। मेरी पत्नी मेरी बच्ची को जन्म देते ही चल बसी। उसके बाद मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है और उसकी हर खुशी मेरी खुशी है। आप काम क्या करते हैं? मैं एक एटीएम सेंटर में गार्ड हूँ। मेरी बेटी को क्या हुआ? कितना कमा लेते हैं आप? सब कुछ काट कर 5,000 कमा लेता हूँ। मेरी बेटी को क्या हुआ है? आपको पैसा कोई उधार दे सकता है? कोई पैसा नहीं देगा, बात क्या बताएंगे? माफ करना, बेटी को क्या हुआ है डॉक्टर? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। मतलब? ये एक तरह का कैंसर है। कैंसर? अभी इसका प्राइमरी स्टेज है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, वो भी 1 साल के अंदर। यहाँ उसके सर्जन नहीं है, इसलिए यूके से स्पेशली उन्हें बुलाना पड़ेगा। इसलिए ट्रीटमेंट बहुत खर्चीला है। कितना खर्च होगा डॉक्टर? सब कुछ इंक्लूड करके देखें तो कम से कम 10 लाख तो खर्च होंगे ही। सर्जरी का टाइम आने से पहले पैसों का इंतजाम कर लीजिए। उस समय मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं 1 महीने में 5,000 रुपए कमाने वाला इंसान लाखों रुपया कहां से लेकर आता? मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। क्या हुआ बेटा? मरना मतलब क्या होता है पापा? मरना मतलब यहाँ कौन मरने वाला बेटी? मैं तो मरने वाली हूँ ना। किसने बोला ये सब? नर्स आंटी ये मुझसे कह रही थी। बेटा वो तो किसी और लड़की के बारे में बोला होगा, बेटा तेरे बारे में नहीं बोला है। पिंकी तो मेरा ही नाम है ना पापा। मैं तो तुझसे बहुत जरूरी बात करने वाला था, लेकिन बात क्या थी भूल गया। क्या बात है पापा? नहीं बताऊंगा, तुझे बताया तो तू सबको बता देगी। प्लीज पापा, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। बहुत बड़ा राज है। कल रात जब मैं ड्यूटी पर गया था तो पता है वहां क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवा चलने लगी। तभी एटीएम का दरवाजा खुला और एक छोटा सा बच्चा अंदर घुस आया। छोटा बाबू, मेरे जैसा? नहीं नहीं, वो तुमसे भी छोटा था। ओहो। वो लगातार मुझे घूर रहा था। फिर मैंने भी उसे घूरना शुरू कर दिया। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए मैंने सोचा चलो अंदर आने दो। पर उसने अंदर आते ही उधम मचा दिया। कभी ये बटन दबा रहा, कभी वो बटन दबा रहा, कभी ये फाइल फेंक रहा, कभी वो फाइल फेंक रहा। मैं तो परेशान हो गया। बैड बॉय। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने हाथ उठाया उसे मारने के लिए, लेकिन वो फटाक से भाग गया। अब मैं थोड़ी पीछे रहने वाला था, मैंने भी उसका पीछा किया। वो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, पकड़ लिया। और जब मैंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो वो बच्चा बड़ा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा होता चला गया। इतना बड़ा? नहीं, ये हॉस्पिटल जितना बड़ा है ना, उससे भी बड़ा। तुम जानती भी हो बच्चा कौन था? कौन, बताओ। नहीं बताऊंगा। प्लीज पापा बताओ ना पापा। श्री कृष्ण भगवान। और जानती हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? ए प्रसाद, इस साल तुमने मेरी बहुत पूजा अर्चना की है, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश होकर कुछ देना चाहता हूँ। क्या दिया उन्होंने? कोई नहीं है, बताओ। हाँ?
ये लॉकेट उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने मुझसे कहा जब तक इसे पहने रहोगे तो कोई भी दुख दर्द पास भी नहीं फटकेगा। कितना अच्छा है। तुम्हें चाहिए क्या? हाँ चाहिए। ठीक है। पापा ये मेरी रक्षा करेंगे ना? हाँ मेरी बेटी, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। सर बेबी को इंजेक्शन देना है। पापा इंजेक्शन कब लगा पता ही नहीं चला। मैं अपनी बेटी को हर कीमत पर बचाना चाहता था और किसी भी तरह पैसा इकट्ठा करने लगा।